जैनम के थ्रू SIP शुरू करने के लिए space.janam.in पर लॉग इन करें। दिए गए डैशबोर्ड पर गैलेक्सी आइकॉन को सिलेक्ट करें। अब इन्वेस्ट नाउ आइकॉन को सिलेक्ट करें। अब आपके सामने म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट होगी जिसे आप अपनी चॉइस के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फिल्टर हमारे पास फंड्स कैटेगरी है जिसमें आप इक्विटी या डेट का फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ इक्विटी को सिलेक्ट किया है। सेकेंड ऑप्शन है सब कैटेगरी, जहाँ आप अपनी सिलेक्टेड फंड कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इक्विटी सेगमेंट के अंदर फ्लेक्सी कैप सब कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे दिए गए तीसरे फिल्टर में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पर फंड्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद जनरेट हुई न्यू लिस्ट में आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं और उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। फंड के नाम के आगे दिए गए रेड हार्ट आइकॉन पर क्लिक करके आप उस फंड को अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। सिलेक्टेड फंड्स से रिलेटेड मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको गैलेक्सी की स्क्रीन पर दिखाई देगी, जैसे कि फंड का करंट डेट का NAV, विच इज नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, और उसके साथ ही फंड का CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सिंस इंसेप्शन। इसके साथ साथ फंड की अदर इंफॉर्मेशन भी शेयर की हुई होगी, जैसे कि फंड के लास्ट 5 ईयर्स तक के परफॉर्मेंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। पीयर कंपैरिजन में आप सेम टाइप के फंड्स की डिटेल देख सकते हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कि फंड्स मेजरली कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। एट लास्ट यू कैन सी फंड मैनेजर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑल्सो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए अब आप राइट साइड पर दिए दो ऑप्शंस एज मंथली SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में से एक चूज कर सकते हैं। मंथली SIP शुरू करने के लिए SIP की अमाउंट, उसकी फ्रीक्वेंसी और SIP स्टार्ट डेट सेलेक्ट करें और स्टार्ट SIP आइकॉन पर क्लिक करें। अब बैंक को सेलेक्ट करें और अगर आप मैंडेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना अप्रूव्ड मैंडेट सेलेक्ट करें। टू नो हाउ टू रजिस्टर अ मैंडेट सी द वीडियो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यहाँ दिए गए हमारे यूनिक फीचर डू यू वॉन्ट टू पे टूडे ऑप्शन को टिक करने से आपकी SIP आज से ही शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको आज पेमेंट भी करना होगा और नेक्स्ट मंथ में सेम डेट पर आपकी SIP का सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। अगर आप इस ऑप्शन को अनटिक रखते हैं तो आपकी SIP नेक्स्ट मंथ से ही शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पेमेंट की डेट 19 अगस्त चुनी है और आपने चेक बॉक्स में टिक किया है तो आपकी फर्स्ट SIP शुरू होगी 19 अगस्त को और सेकंड SIP 19 सितंबर को ड्यू होगी। अगर आप यहाँ ये ओंटो चेकबॉक्स को अनटिक करते हैं तो आपकी SIP रजिस्टर हो जाएगी लेकिन इस महीने से शुरू नहीं होगी। अब हमारे पास 4 मेथड हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है नेट बैंकिंग, सेकंड है UPI, थर्ड है NEFT RTGS और फोर्थ है मैंडेट। अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पे क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर UPI सेलेक्ट किया है, उसके लिए अपनी UPI ID एंटर करें और फिर प्रोसीड टू पे सेलेक्ट करें। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे आपके UPI ऐप पर एक मैंडेट रिक्वेस्ट जाएगा जिसे आपको 5 मिनट के अंदर एक्सेप्ट करना होगा। वंस इट्स एक्सेप्टेड आपकी SIP रजिस्टर हो जाएगी। थैंक यू।